चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारी समस्या गन्ना भुगतान, हमारा पशु बिजली का बिल। सरकार करी एक मुश्त योजना में छूट मिल रही तुमने, अरे एक मुश्त हमारा पेमेंट दे दो जब इधर छूट का फायदा होगा। हमने हिंदू धर्म से नफरत, इस्लाम नहीं कहता मस्जिदें तोड़ी जाए, श्री राम नहीं कहते। मेरे तो कोई शादी कर रहे थे, बस जहरी खाए के मरेंगे और क्या करेंगे यहाँ। साथियों आज हम कलेक्ट्रेट में अपनी पीड़ा को लेकर आए हैं। पीड़ा तो बहुत है किसान की, परंतु अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और राज्य मंत्री फिलहाल कलेक्ट्रेट में मौजूद है। राज्य मंत्री जी के पास हमारी आवाज भी जारी होगी। हमारी समस्या गन्ना भुगतान, हमारा पशु बिजली का बिल अवैध रूप से छापेमारी, एमएसपी पर गारंटी का कानून, फर्जी मुकदमे। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, लगातार किसान परेशान है। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, यहाँ राज्य मंत्री है भारतीय जनता पार्टी का, या किसानों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं। मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ, ये सरकार निकम्मी और बेईमान सरकार है। सरकार करी एक मुश्त योजना में छूट मिल रही तुमने, अरे एक मुश्त हमारा पेमेंट दे दो जब इधर छूट का फायदा होगा। हमने हमारा भी एक मुश्त दे दो, एक मुश्त पेमेंट दे नहीं रहे, कहां का भरेंगे ये? सबसे मेन मुद्दा तो यू है बिजली के जार कनेक्शन काट दे। मील वाला किसानों का इतना बड़ा कर्ज, जब नया बिजली का बिल नहीं दिया ना सरकार का कुछ है किसानों में? अगर वो सारा पेमेंट दे दे तो सबका कर्जा निबट जा, अगर वो एक मुश्त कर्जा दे पेमेंट दे दे वाला। तो गन्ने का पेमेंट नहीं आ रहा, बिजली वालों ने तो ठीक रखे। एक एमएसपी पे कमेटी बनाई केंद्र सरकार ने, सरकार तनु बता रहा है सरकारी कमेटी बना दी। ये में लोग हैं कमेटी में जो तीन कृषि कानून के पक्षधर थे। हमारा हजारों करोड़ रुपए बकाया है चीनी मिलों पे, कहाँ जाऊं? 12-13 महीने में वो मिले हमें पेमेंट, घर का हाथ चला हुआ हम, मेरे पे पैसे नहीं है। बता रहा है सरकार तो बता रहा है, इन्हीं तो बता सके, डीएम थे एसडीएम थे, यही तो बता सके, यही भेजेंगे भाई वहाँ लखनऊ। अभी आप बात करने गए थे, क्या बात थी? बात करने के लिए गए थे, कहा भाई उन्होंने बुलवा ले, मिल वालों ने बुलवा ले, और उन्होंने बुलवा ले क्या नाम बिजली वालों ने, और नहीं बुलवाते भाई हम तो चीनी पिन्नी ठा कर ले जाएंगे इनसे मिल मत, और के हमारे मरेंगे के हम यहाँ। इन्हें तो 2 महीने तनखा ना मिलो, किल के मारे अधिकारी हमें 12-13 महीने हो गए भाई, हमारे तो पैसा लगे पहले, हमें कोई जुलम के रखे आगे, कहाँ चले जा हम? इस देश में रहने का अधिकार नहीं है किसान ने? कैसी समस्या का सामना करना? समस्या के बाद मर गया कथी काशकार तो भाई। अगर भुगतान नहीं होता आगे क्या रास्ता है? रास्ता क्या होता भाई, यही मरेंगे अब हम। देखे मेरे तो कोई साथी कह रहे थे, बस जहरी खाए के मरेंगे और क्या करेंगे यहाँ? जहरी खाने के आगे मेरे पास, पहली तो बात जहर खाने के पैसे नहीं, मेरे तो पेड़ा पीसा नहीं जेब देख ले तो मेरी। हिंदू धर्म से नफरत, इस्लाम नहीं कहता मस्जिदें तोड़ी जाए, श्री राम नहीं कहते, रोटी का कोई मजहब नहीं होता, पानी की कोई चाक नहीं होती, जहाँ इंसानियत जिंदा हो वहां मजहब की बात नहीं होती। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है, धर्म का चश्मा आंखों से उतार कर देखो यारो, मुझे तो लगता है हिंदुस्तान खतरे में है। समस्या सारी है रेपटे अम्मा पैसे, किसान परेशान हो रहा जी अम्मा पैसे नहीं, जागतों की फीस भी देनी, बीमार भी है, सभी काम करते ही बिल्कुल कंगाल हो गए किसान। आज इसी वजह से यहाँ धरना दिया, मगर भाई कुछ इनके अधिकारी हो गया, किसी की इनकी आँख खुल, कोई किसान की तरफ ध्यान दिया जा तो वो समस्या का समाधान भी हो। अगर कोई सुनने को तैयार नहीं, आपातकालीन धरना चला जाओ, थोड़ी देर में सारा सामान आ जाएगा, यहीं खाना बनेगा, यहीं सोओगे, चैमत लग जाए, यहीं सोल।
किसान भाइयों से मेरा आग्रह है, जो भी वक्ता के रूप में यहाँ आवे, भाई वो कमजोर बात ना करे बिल्कुल भी, और ना डरने की जरूरत है। यहाँ खैरात नहीं देखते हैं मिल वाले, हम अपना हक मांगना है मिल का। अरे भाई सुन लो प्रशासन के लोगों, या तो समाधान ठीक ठाक कर दो, अन्यथा भाई इतना ही हुंकार चलती रहेगी, यही डटेंगे, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़ो, चाहे आंदोलन करना पड़ो, यही चढ़ावेंगे कढ़ाई कुड़ोई, हमें भी खुआवेंगे और हम भी खावेंगे। अभी पुलिस वालों को यह अपना छिंका लगा के मार देंगे, 12-12 घंटे की छुट्टी लगा देंगे, बेचारों की वर्दी में ऐसे खींच जाए।